गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अप योर ग्रो गो फ्रॉम क्लास फिफ्थ EVS। इसमें आज हमने क्या पढ़ना है, क्रॉसिंग द रिवर। वी गेट विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट। कहते हैं उनको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाने को मिला, एक तो विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट, मीन्स दूध में चॉकलेट मिला के। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। कहते हैं इस उनको किस लिए दिया गया, एक तो उनको ताकत मिले और दूसरा जो ठंड थी वहाँ पे उस ठंड से बचने के लिए। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। कहते हैं वहाँ पे मेडिकल चेकअप होता था रोज़, और जहाँ पर किसी को कुछ लग गई होती है तो वहाँ पे उनको बैंडेज बांधा जाता था। आफ्टर 8 किलोमीटर ट्रक वो रीचर्ड है रिवर। कहते हैं 8 किलोमीटर चढ़ने के बाद वो कहाँ पहुँचे, एक रिवर पे। देर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन टू द अदर। द रोप वॉज टाइडली फिक्स्ड टू पैग्स और पिटर्न्स ऑन बोथ द साइड्स। आई वाज फीलिंग नर्वस, आई स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। आई वाज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। तो कहते हैं कि इनको क्या करना था, एक रिवर क्रॉस करी थी, उसके दोनों साइड से क्या रस्सी, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो दोनों साइड से रस्सी बंधी हुई थी, उस रस्सी पे लटक के इनको दूसरा जगह पार कर ली थी, दूसरी जगह पहुँचना था दूसरे साइड पे। तो वो सोचने लगे, वो अंदर से क्या थी, नर्वस। हर कोई नर्वस होगा अगर ऐसा किसी को करना पड़ेगा, तो वो नर्वस थी। उसके दिमाग में यह आ रहा था कि अगर अचानक से रस्सी कट गई तो क्या होगा। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग इन इट। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग वाटर। Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one would see me. Just then, our instructor came near me with a sling and rope in his hands, and I knew there was no escape now. I was ready, but did not have the courage. Sir could guess my fear. He called out loudly, 3 cheers for Sangeeta, ma'am!" And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. कहते हैं कि जो इनका इंस्ट्रक्टर था उसने पहले अपने को रोप अपने जो वेस्ट है कमर पर रोप बांध दी, और क्या किया उसने रिवर के बीच में चला गया तो और दूसरे साइड पे पहुंच गया। तो जब वो दूसरे साइड पे पहुंचा तो जो जिनको जितनी भी लड़कियां थी वो सारी डर गई, कोई भी नहीं करना चाहता था ये, तो सब एक दूसरे को आगे आगे धक्का दे रहे थे। तभी इंस्ट्रक्टर किसके पास आया, संगीता के पास आया, और उसे कहा कि चलो तुम पहले। तो अभी वो कुछ सोच रही थी कि उसने उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको रोप बांधा, अभी वो सोच रही थी जाऊं कि नहीं जाऊं, तो उसको किसी ने नदी के बीचों बीच धक्का दे दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, इट कॉट होल्ड ऑफ द रोप, आई स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। एज आई वॉक्ड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई neck. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hand. I started shouting for help. कहते हैं कि इतना क्योंकि ठंड थी और ऊंचाई पे थी, उनको ठंड लग रही थी। कहती कि जैसे ही मैं बीचों बीच अभी नदी के पहुंची तो पानी बिल्कुल मेरे गले के तक आ गया था, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी और हाथ क्या हो रहा था, फिसल रहा था, तो उसके हाथ से रस्सी फिसल गई और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। I was sure I would be carried out by the river, but no, I found that I was tied with a rope to the sling. Hold the rope, I could hear the shock. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. Slowly, with some courage, I reached the river bank. I felt a special kind of kindness and came out of the water. Happiness on finishing the challenging task. Now, standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. कहती कि जब मैं इसके हाथ से रस्सी छूट गई तो उसको जो वेस्ट था जो उसकी कमर थी उसके साथ देख रस्सी बांधी गई थी, तो उसको लगा कि नहीं कोई बात नहीं है। तो सब ने इससे कहा कि कोई बात नहीं है, आ जाओ रोप जो है रस्सी को अच्छे से पकड़ो, कोई बात नहीं। सब ने इसका हौसला बढ़ाया, इसने रस्सी पकड़ी और वो फिर आगे निकल गई। जब वो दूसरे किनारे पे पहुंची तो उसको बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने वो टास्क पूरा कर लिया था, और वो बाकियों के लिए वहाँ पे क्या करने लगी, चीयर्स करने लगी कि ताकि उनको भी हिम्मत मिल सके।